पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्माइल फाउंडेशन की तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत के सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मिलकर स्काईलार्क होटल से लेकर पालिका बाजार तक तिरंगा यात्रा निकाली। सभी युवाओं ने एक ही स्वर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं हर कोई इस यात्रा को देखकर उसमें शामिल होता चला गया और जुड़ते जुड़ते भारी संख्या में भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ यातायात पुलिस के द्वारा भी इस यात्रा को लेकर पूरा सहयोग दिया गया। जाम की स्थिति से निपटने के लिए यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार यातायात पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। विकलांग बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं यात्रा में शामिल रहे। पानीपत के सभी युवाओं, महिलाओं व बच्चों में देश के प्रति जोश देखने को मिला। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन सब सैनिकों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे मोदी जी ने जो अच्छा संदेश दिया है, सैनिकों को फ्री कर दिया है और एक संदेश दिया है कि सेना अपना काम करे। मैं इस आह्वान को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। देश के अंदर जो ये 44 सैनिक मारे हैं पाकिस्तानियों ने, आज देश के बच्चे बच्चे की आंखों में, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो लड़कियां लड़के, सबकी आंखों में खून है। और हम खून ये देख के हम सब लोगों का खून खोला हुआ है। पूरा देश है क्या पाकिस्तानियों, सुन लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, और इसका बदला जरूर लिया जाएगा, हर कीमत पे लिया जाएगा। आज जिन बच्चों की आंखों में देखो, सब कहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लो, बदला लो, बदला लो। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी की बस एक ही आवाज है, मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इन पाकिस्तानियों को समझ दो कि हर वक्त हमें डसते रहते हैं सांप की तरह, इस सांप को कुचल डालो, कुचल डालो। भारत माता की जय। सभी संगठनों ने, और समाज सेवी संस्थान है, स्कूलों ने हमारा साथ दिया तिरंगा यात्रा में। हमारी एक ही बात है, हमारी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक रात में की थी, मेरी मोदी जी से अपील है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक अब की बार दिन में की जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हर एक हिंदुस्तानी का दिल में आग है कि जिस प्रकार से बोटियां मिली हमारे जवानों की, उनकी बोटियां भी नहीं मिलनी चाहिए। और मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों के लिए एक स्पेशल भर्ती खोली जाए, ताकि लोहा से लोहा काट सके और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करा जाए। रेल यात्रा, बस यात्रा, उसका तेल, हर चीज, खेल पानी, पाकिस्तान से पूरा कनेक्शन काट दिया जाए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी जाए। जय हिंद दोस्त। आज इस दुखी घड़ी में ना कोई कांग्रेसी है, ना कोई बीजेपी से है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना किसी जात पात से है। हम सब एक हैं और पूरे देश का भारतवासी, पूरे पानीपत जिले का भारतवासी आज एक तरफा ये मांग कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जो हमारे वीर सैनिक, जिनकी बर्बरतापूर्ण हत्या हुई और जो शहीद हुए हैं, आज पूरा देश चाहता है कि उनकी मौत का बदला जल्द से जल्द देश की सरकार ले। हम सब हमारे देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरा देश आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ एक आशा की किरण से देख रहा है और पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और जल्दी से जल्दी हमारे एक के बदले, अगर हमारा एक सैनिक मरा है तो उसके बदले उनके 10 सैनिक मरने चाहिए, यही पूरे देश की मांग है। हमारे शहर के युवा सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे नौजवानों पर, देश के जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में ये इतना जुलूस निकाला जा रहा है। और एक आवाज़ है कि समाज के लोगों की, देश की एकता के लिए कि सभी इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं और इसका इलाज होगा। पाकिस्तान ने जो हमारे फौजियों के साथ, जो हमारे देश के लिए किया, देश के लिए जो गलत काम किया, हमारे फौजियों को शहीद किया, आज उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आज पूरा भारत जागरूक हो चुका है और अपना न्याय लेना चाहता है कि पाकिस्तानों, इंडिया वाले समझ रहे हैं कि तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर जाकर तुम्हें ऐसा दबा जाता है कि तुमने हमारे 40 मारे हैं, हम तुम्हारे 40
क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रॉब्लम अठवाल की बताओ। ये एक रोष मार्च है, एक तिरंगा यात्रा निकाली है, एक रोष, एक गुस्सा जो हमारे अंदर है, एक दर्द जो हमारे अंदर है, उसके लिए ये एक निकाली गई है, जिसमें शहर आप देख ही रहे हैं, पूरे शहर के हर एक तरह का, हर एक धर्म, हर एक बिरादरी, हर एक जात का इसके अंदर आगे सिर्फ अपने फौजी भाइयों के समर्थन में आगे खड़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान ने हमारे जो गद्दारी से, जो धोखे से हमारे सैनिकों के ऊपर वार करके उनको मारा है, ये उन्हीं की याद में एक तिरंगा यात्रा निकाली है अपने देश के लिए, अपने फौजी भाइयों के समर्थन। निश्चित करो कि जहाँ भी आपने अटैक करना है, और ये उनका बड़े एक अच्छा निर्णय है जिसको बहुत प्रशंसनीय है। क्या नाम है मैडम? सुनीता जी।